पूरी दुनिया में सबसे अधिक युवा जनसंख्या भारत में ही है, इसलिए हमारे देश भारत को युवाओं का देश भी कहा जाता है। जग जाहिर है कि हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आज हम आपको बताएंगे पांच ऐसे आईएएस अफसरों के बारे में जिन्होंने सिर्फ 22 साल की उम्र में ही यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आईएएस टीना डाबी का नाम अक्सर सुर्खियों में बना रहता है, वहीं सबसे कम उम्र में यूपीएससी पास करने वाले युवाओं में उनका नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि टीना डाबी साल 2015 में यूपीएससी की ऑल इंडिया टॉपर थी और उन्होंने 20 साल की उम्र में ग्रेजुएशन किया और 2 साल तैयारी के बाद आईएएस बनी। टीना अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपनी माँ को देती हैं। हाल ही में टीना डाबी की बहन रिया डाबी ने भी 23 की उम्र में यूपीएससी परीक्षा पास की है। आईएएस अनन्या सिंह प्रयागराज की रहने वाली हैं। जानकारी के मुताबिक शुरुआती शिक्षा उन्होंने प्रयागराज से प्राप्त की और क्लास में हमेशा टॉप किया। वहीं स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद वो दिल्ली आ गईं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद अनन्या सिंह ने 1 साल की तैयारी की और साल 2019 में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में 51वां रैंक प्राप्त किया। आईएएस स्वाति मीणा का जन्म राजस्थान में हुआ और उन्होंने अपनी पढ़ाई अजमेर से पूरी की। जानकारी के अनुसार पेट्रोल पंप चलाने वाली मां की इकलौती बेटी ने बचपन से डॉक्टर बनने का सपना देखा था, लेकिन 8वीं क्लास तक आते आते उनका ये सपना बदल गया और अपनी मां की चचेरी बहन के चेहरे पर अधिकारी बनने की खुशी देखकर स्वाति को भी अधिकारी बनने की प्रेरणा मिली, जिसके चलते 2007 में स्वाति ने यूपीएससी की परीक्षा दी और 260वां रैंक प्राप्त किया। वहीं आईएएस रोमन सैनी के सिर पर एक समय पर देश के सबसे यंगेस्ट आईएएस अफसर का ताज था। बता दें कि जयपुर राजस्थान के रहने वाले रोमन सैनी ने साल 2013 में यूपीएससी की परीक्षा दी और सिर्फ 22 साल की उम्र में 18वां रैंक हासिल किया। साथ ही साथ रोमन सैनी ने सिविल्स की तैयारी कर रहे छात्रों को पढ़ाने का भी निर्णय लिया, जिसके चलते अब आईएएस की नौकरी छोड़कर उन्होंने अन अकेडमी में कोचिंग शुरू कर दी है। आईएएस अमृतेश औरंगाबाद पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जिन्होंने साल 2011 में यूपीएससी की परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में 10वां रैंक हासिल कर लिया। जानकारी के अनुसार उनके पिता ग्राउंड वाटर सर्वे डिपार्टमेंट में काम करते थे। अपने पिता को ईमानदारी से काम करता देख अमृतेश के मन में भी देश सेवा करने की भावना जगी, जिसके चलते उन्होंने यूपीएससी को चुना और पहले ही प्रयास में 10वां रैंक लाकर देश और समाज का नाम रोशन किया। भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है तो एक सही मौके की। आपको बता दें कि जिन्हें ये मौका मिलता है वो अपना ही नहीं दूसरों की भी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश में जुट जाते हैं। चाहे वो पंचायत चुनाव जीतकर गांव की तस्वीर बदलना हो या फिर यूपीएससी पास करके एक ज़िले की तस्वीर बदलना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव यूपी न्यूज़, 24 लखनऊ।